सरकार द्वारा कर्मचारियों के भत्ते खत्म किए जाने के विरोध में मंगलवार को गाजीपुर जिले के विकास भवन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमेल और ट्वीट कर अपनी नाराजगी भी जताई। आइए सुनते हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने क्या कहा। दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। हाँ दुर्गेश जी, आज काली पट्टी बांध के आप लोग किस बात का विरोध कर रहे हैं? हम लोग काली पट्टी बांध करके जो सरकार डीए फ्रीज किया हुआ है, पहले छह भत्ता को भी फ्रीज किया हुआ था, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने छह भत्ता को फ्रीज तो किया ही हुआ था, अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। एक तरफ सरकार कहती है कि केंद्र के बराबर हम कर्मचारियों को भत्ता देंगे, जो सुविधा केंद्र के कर्मचारियों को मिलता है वो हम उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं उनको देंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए मकान किराया भत्ता हुआ, फील्ड का कर्मचारियों का मोटरसाइकिल भत्ता हुआ, उसमें सौतेलापन स्पष्ट सरकार कार्य करती है। जब आप केंद्र से तुलना उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों को करते हो तो जो केंद्र का देते हैं कर्मचारी पाते हैं लाभ, वो हमको भी मिलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी नीति जो अपनाई गई है ये सरासर गलत है। इसका इफेक्ट के आंदोलन आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और आज पूरे भारत में काला फीता बांध करके हर संवर्ग के कर्मचारी इसका सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। दुर्गेश जी, कुछ केंद्र सरकार ने वापस किया या बहाल किया है? नहीं, केंद्र सरकार अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। भत्ताएं उनका यथावत, वो भत्ता खत्म नहीं किए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भत्ता खत्म कर दिया है तो यहाँ अपने आप को सबसे अग्रणी भूमिका में कर्मचारियों को दमदात्मक करने में अग्रणी भूमिका में उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। सुना आपने, दुर्गेश कुमार ने सरकार द्वारा कर्मचारियों को मिल रहे छह भत्ते पूरी तरह से समाप्त करने पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय कर्मचारियों के साथ सौतेलेपन का प्रतीक है। आइए अब सुनते हैं कि इस मुद्दे पर शिक्षणेतर कर्मचारी संघ गाजीपुर के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह शम्मी क्या कह रहे हैं। परिचय, मैं विवेक कुमार सिंह शम्मी जी, शिक्षणेतर कर्मचारी संघ गाजीपुर का जिला अध्यक्ष। विवेक जी, काली पट्टी बांध के आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस बात का? ये आपने देखा होगा पिछले 50 दिन का लॉकडाउन और इसमें सरकारी कर्मचारियों की भूमिका जी। सरकारी कर्मचारी एक ऐसा संवर्ग है जिसने अपने जान पल खेल करके इस कोरोना के वैश्विक महामारी को हिंदुस्तान में रोकने का काम किया। आप जानते होंगे, आप डेली आप समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग खुद समझदार पत्रकार हैं, आप लोगों को ये पता है कि हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे शिक्षक संवर्ग के लोग, हमारे कर्मचारी 33% सबसे पहले राज्य सरकार ने आदेश किया कि आप जा करके शासनादेश के मंशा के अनुसार काम करने की शुरुआत करें। हम सभी कर्मचारी जान पर खेल कर राजस्व बढ़ाने का काम किए। इस कोरोना की महामारी में अपने उत्तर प्रदेश को कोरोना के महामारी से बचाने में भी काम किए, परंतु सरकार ने ऐसा सौतेला व्यवहार दिखाया जिसको देख करके आज हम काली पट्टी बांधने पर मजबूर हैं। आपने जैसा सुना होगा, हमारा डीए फ्रीज कर दिया गया, तनख्वाह बढ़ाना तो दूर, केंद्र सरकार की बराबरी करना तो दूर, हमारा डीए फ्रीज कर दिया गया। छह भत्तों को, जो कि कहा गया था कि ये परमानेंट नहीं, अभी तत्कालिक तौर पर इसे रोका जा रहा है, जैसे ही स्थिति सुधरेगी, राजस्व बढ़ेगा, हम इसको देने का काम करेंगे, परंतु ठीक इसके उल्टा राज्य सरकार ने छह भत्तों को हमारे बंद करने का काम किया। इसी के विरोध में आज हम काली पट्टी बांध करके सांकेतिक प्रदर्शन विकास भवन के प्रांगण में करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी इस लॉकडाउन में कोरोना की महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम आज काली पट्टी बांध कर विरोध करने पर मजबूर हैं। इस मौके पर अरविंद कुमार सिंह, ओंकार नाथ पांडे, राकेश पांडे, श्रीकांत राय, एसपी गिरी, विवेक सिंह शम्मी, अभय सिंह, योगेश जायसवाल, ब्रिजेश रामधनी, रमेश, रवि सिंह, राजेश, अनिल, जितेंद्र सिंह, अशोक, विनोद, दिनेश, संजीव कुमार आदि मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।